अरे भाई लोग, यहाँ पे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो करके आ चुके हैं आप लोग के लिए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर आपका इंस्टाग्राम ऑटो बैक हो रहा है, ऑटो क्रैश हो रहा है, तो उसको आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो में दो स्टेप बताऊंगा, उन दोनों को आपको अपनाना है, उम्मीद है उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए कि बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप तो क्या है कि आपको ओपन कर लेना है अपना प्ले स्टोर, ठीक है, एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद चले जाना है इसके सर्च पे, और सर्च के पे जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम वहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है, और आपको चेक ये करना है कि यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट है या फिर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई अपडेट आया हमने नहीं किया तो उसकी वजह से वो क्रैश होने लग जाता है, कुछ चांस पैसा हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मेरा यहाँ पे अपडेट नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, एक मिनट। तो पहला स्टेप तो है कि अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद भी अगर आपका ऑटो क्रैश हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मोबाइल एक बार बंद करके चालू कर लीजिए। और तीसरा स्टेप ये कि ऐप इन्फॉर्मेशन में आप चले जाइए। ऐप इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्लियर चेक कर लीजिए स्टोरेज में जा करके, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी नहीं ओपन होता है तब फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम अगर आईडी याद है, पासवर्ड याद है, तो क्लियर डेटा कर दीजिए उसका, और फिर से वहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा। इतने स्टेप अपनाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके बावजूद नहीं होती है तब फिर आप कॉमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँगा।